हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिनी एस दास गुप्ता। आज फिर से एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। हालांकि मैं अनबॉक्सिंग के वीडियोस इतने करती नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने एक नया तवा लिया है द इंडस वैली का, तो इसलिए मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मैं शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं ये तवा मैंने लिया है 1 वीक पहले। मैंने क्योंकि मेरा डोसा पैन, आप लोग को सब लोग को पता है डोसा पैन या तवा इतने दिन चलता नहीं है किसी का। आई थॉट कि मैंने इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं इंडस वैली के, आई थॉट कि चलो लेट्स गो फॉर इट, एक ख़रीदा जाए। इतना अच्छा रिव्यू है, देखते हैं क्या मैं भी ख़रीद के मैं ट्राई करती हूँ। एंड जो भी दोज हु आर यूजिंग द इंडस वैली प्रोडक्ट्स वेरी वेल नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये तवा इट्सेल्फ इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 800 रुपीज़। 11 इंचेस का है ये, डिस्काउंट रेट में मेरे को ये 800 रुपीज़ में मिला। इसका एक्चुअल प्राइस कुछ 1200 है। तो ये है तवा। तो जितने भी प्रोसीजर्स, जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने फॉलो किया, फॉलो करके मैं आप लोग के सामने अभी डोसा बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। तो इसमें लिखा था क्या, सबसे पहले आपको अच्छे से इसको वॉश करना है स्क्रबर से, एक टॉवल से आपको, टॉवल से आपको अच्छे से इसको वाइप करना है, अप्लाई ऑयल, देन यू हैव टू, यू जस्ट गो फॉर इट। जो आपको बनाना है डोसा रोटी एनीथिंग यू कैन मेक। सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग डोसा। आप देखिए डोसा मैं बनाती हूँ, आप लोग के सामने ही सब कुछ है, एवरी स्टेप आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। जस्ट कीप वॉचिंग वीडियो को एंड तक के, बस देखते रहिए आप। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डोसा है, तो आप देख सकते हैं, देखते रहिए। मैंने इस समय पे गैस फ्लेम को मीडियम पे रखा है, हाई पे नहीं रखा है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक साइड होने वाला है, कॉर्नर्स थोड़े से छोड़ने लगे, डोसा का कॉर्नर्स निकलने लगा है। देखिए इंडस वैली, द इंडस वैली जो मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट डोसा जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करके मैंने शुरू किया बनाना, तो ये मेरा फर्स्ट यूज में आप देख सकते हैं डोसे की हालत क्या है। ये जो कुछ भी प्रोमिसेस करते हैं, जो भी बोलते हैं कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देखिए हालत क्या हुई मेरे तवा की। ये है हालत, फर्स्ट डोसा बनते से ही आप देखिए साइड से कुछ निकला ही नहीं, इसलिए मैंने थम्स डाउन दिखाया। फिर मुझे लगा चलिए तवा को धोके मैं फिर से एक बार सेकेंड अटेम्प्ट लेती हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट देखिए अभी आप, ये रिव्यू आपको कोई नहीं देने वाला है, कि जो एक्चुअल रिव्यू है वो आपको कस्टमर से ही मिलने वाला है। तो देखते रहिए आप एंड तक के। इस बार मैंने ड्राई तवे पे ही अपना डोसा, सेकंड वाला डोसा बनाया, और थोड़ा कॉर्नर से जब निकलना स्टार्ट हुआ फिर मैंने ऑयल डाला उसमें। देख सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट से भी आप देख सकते हैं साइड से कितना ज़्यादा चिपक रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोग के लिए यही है कि अ बिग नो, डोंट गो फॉर द इंडस वैली तवा और एनी प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था डोसा इंडस वैली, जो बड़े बड़े नाम और दर्शन छोटे। आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरा फेलियर था, सेकेंड अटेम्प्ट मैंने सोचा कि चलिए मैं करके देखती हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में अगर कुछ हो सके तो।
तो सेकंड अटेम्प्ट भी आप देख सकते हैं कि ये डोसा निकल नहीं रहा। पता नहीं लोग किस चीज़ का इतना प्रॉमिसेस दिखाते हैं कि ये है वो है डोसा तवा ऐसा है, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, जैसे इंडस वैली ने अभी बेवकूफ़ बनाया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिखा रही हूँ क्या क्या हालत है। देखिए ये जो नया मैंने आप लोग के सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया, जितने भी रूल्स थे मैंने वो फॉलो इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने फॉलो करके ये बनाना शुरू किया। आप देख सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट भी इसका फेलियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।